अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। आप समझ तो गए होंगे कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन अकबर अली है मेरे साथ। अकबर अली अभी तक नहीं समझ पाया, पूछ रहा है कहां जा रहे हैं कहां जा रहे हैं। और मेरे साथ है फैसल, तो इन दोनों से पूछते हैं। पहले अकबर अली से पूछते हैं। अकबर अली बताओ कहां जा रहे हैं। भाई मुझे क्या पता होगा, आप सुबह से बोले जा रहे हैं, चलते हैं उसके पास। तुम भी उसको जानते हो, मुझे याद नहीं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी तरह उससे मिलने के लिए। वो कौन है तो चलें देखते हैं वो है कौन। अच्छा, आप बताएं फैसल भाई। हाँ, मुझे तो मालूम है कि वो कौन है। आपको कैसे मालूम और कौन है बताओ मुझे। मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम जाएं वहाँ पर, अपने व्यूवर्स को दिखाएं कि हम किसके पास जा रहे हैं, और हम जाके उनसे बात करते हैं और मिलते हैं उनसे। जी बिल्कुल व्यूवर्स, तो चलते हैं उसकी जानिब और उससे चल के करते हैं मुलाकात और उससे पूछते हैं उसकी लाइफ के बारे में। चले। आसिफ भाई। असद भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हो। ज़बरदस्त आसिफ भाई, आपका हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू लिया, उसके बाद जब मैं आपकी वीडियो अपलोड करने लगा तो आपको मैं कॉल करता रहा, आपको ढूंढता रहा। आप ऐसे गायब हुए व्यूअर्स, ये ऐसे गायब हुए जैसे हाथी के सर से सिंह। और मैं पहले तो मैं परेशान हो गया था, यकीन करें आप, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार इसके साथ हुआ क्या, ये जो है ना कि एक हमारा फ़खर था, हमारा दोस्त तो है ये, साथ साथ हमारा फ़खर था, ये गायब कहाँ हो गया, इसके साथ क्या हुआ, कुछ कोई कुछ गलत तो नहीं हो गया। मैं कुछ परेशान था, फिर मैं आपके घर गया, आपके घर से मालूमात ली, दोस्तों से ली कि जी मुझे पता चला कि ये एक बहुत अच्छी जगह गए हैं, जहाँ भी गए बहुत अच्छी जगह गए, ये इनके मुँह से सुनेंगे कि ये गए कहाँ थे। जी आसिफ भाई। असद भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर से इतनी मेहनत से ढूंढ के फिर से आपने मुझे अपने जो है चैनल में जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो थैंक यू सो मच भाईजान। और जो है मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। अच्छा। कहीं गया नहीं था, तो मुझे जब जनरल अकरम साई साहब ने कॉल की थी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एक दो दिनों में इंशाल्लाह लाहौर पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद जो है मुझे हैदराबाद कैंट से जनरल साहब की कॉल आई आर्मी की, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, आपसे मुलाकात करनी है। तो मैंने कहा जी सर मैं पहुंच रहा हूं। जब मैं कैंट में पहुंचा तो वहां पर मुझे जो है बहुत रिस्पेक्ट दी गई, वहां पर बहुत इज्जत की मेरी, और जो है वहां पर मुझसे मिले हैं, खाना खिलाया, बैठे हम लोग। फिर उसके बाद जनरल साहब ने मुझे सारी डिटेल से बातें बताई कि भाई आप हमारे साथ चलो, जो है हम आपके साथ हैं, और जो है आप वैसे भी बचपन से आपको आर्मी का शौक़ था। तो मैंने मतलब मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है। आपका ख्वाब तो पूरा हो गया। मैंने जो है इनकार नहीं किया, फ़ौरन कहा, मैंने कहा ठीक है जनरल साहब जैसे आपको अच्छा लग रहा है ओके है। तो उन्होंने फ़ौरन जो है टिकटें वगैरह करवाई और दूसरे दिन मुझे यहाँ जहाज़ में बिठा के जो है भेज दिया इस्लामाबाद। तो मैं इस्लामाबाद पहुंचा, वहाँ पर मुझे मेजर साहब रिसीव करने आए और बहुत जो है अच्छी इज्जत मिली वहाँ पर, बहुत रिस्पेक्ट मिला जो है। मुझे GHQ लेके गए और GHQ में तकरीबन मैं तकरीबन आठ दिन रहा। उसके बाद मेरे ट्रायल शुरू हुए और ट्रायल मैंने दिए, माशाल्लाह बेहतरीन ट्रायल आए मेरे। उसके बाद फिर मेडिकल का मसला था, कुछ दिन मेडिकल में लगे और फिर मेडिकल भी हो गया। उसके बाद जो है माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गया, और जनरल साहब वहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट्स के जनरल थे उन्होंने बुलाया मुझे और कहा कि माशाल्लाह आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आप फौजी हैं और अब आप घर जा सकते हो, जब हम आपको लेटर भेजेंगे तो आप जो है आ जाना फिर यहाँ रावलपिंडी। तो मैंने कहा ठीक है चलें। व्यूवर्स सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरे दिल से जो है ना कि बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आप सिलेक्ट हुए, और हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी तरफ से भी मैं आपको मुबारकबाद कहता हूँ। अब मकसद ये है कि मुझे आप एक बात बताएं, जब आपके पास कॉल आई, जब आपके पास एक कॉल आई कि जी मैं आर्मी से हूँ और मैं फिलहाल ऑफिसर बात कर रहा हूँ और आपको सिलेक्ट किया जा रहा है,
किसी भी अहदे पे जो भी मकसद आपको कॉल आई, आपकी फीलिंग्स तासरात उस टाइम क्या थे, आपको क्या लगा उस टाइम पे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है असद भाई। मैं जो है काफ़ी कंफ्यूज था उस टाइम, तो आपको पता है यार हम टिकटॉकर हैं, छोटे छोटे यूज़र टिकटॉकर थे, तो उसके बाद जो है मैं अचानक से इतनी कॉलें आ गई और बड़े बड़े अफसरों की कॉलें आ गई, तो बहुत जगहों से मुझे ऑफ़र आए थे, हर जगह से ऑफ़र आए थे, हालांकि बाहर से भी मुझे ऑफ़र आए थे और मुझे हर चीज़ सहूलत देने की अच्छा। जो है बातें भी की गई। हाँ। लेकिन मैंने सबसे बेहतर समझा आर्मी को, जब मुझे आर्मी के अफसर ने कॉल की तो मैंने आर्मी को बेहतर समझा, क्योंकि बचपन से मेरी मोहब्बत है पाकिस्तान आर्मी से और पाकिस्तान से, तो मैंने उसे ही बेहतर समझा और मैं वहाँ पर जो है फ़ौरन पहुँचा। मैंने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। जी व्यूवर्स, ये बात तो क्लियर है कि देखें, अगर आपके दिल में जज्बा है, आपके दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत है, तो आप मेहनत करें, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, ये सबूत आपके सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल। और हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि आप इस इदारे में गए, हमारा एक दोस्त इस इदारे में गया, हमें बहुत खुशी। लेकिन जिस शख्स ने आपसे रब्ता किया था पहले, वो जो स्पोर्ट्स के थे, जनरल साहब थे कोई जो ओलंपिक के थे, तो उनके क्या तासरात थे, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई बाद में, उनको आपने किस तरह मना किया? जी जनरल अकरम साही साहब जो एथलेटिक फेडरेशन के सदर हैं पूरे पाकिस्तान के, तो उसके बाद जो है मेरा तो उसके साथ कांटेक्ट नहीं था क्योंकि मेरे नंबर बंद थे, तो जनरल साहब ने बयान दिया था मेरे ख्याल में जियो सुपर पर कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि आर्मी ने जो है बच्चे को रिसीव कर लिया, आर्मी अपने पास रख के इसे ट्रेनिंग करेगी, तो उसने यही भी कहा कि भाई मुझे उम्मीद है कि आर्मी इसे बेहतरीन ट्रेनिंग दे के आगे भेजेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप वहाँ गए तो आपसे क्या टेस्ट लिया उन लोगों ने, और वहाँ पर जो है कि किस इदारे में आपको सिलेक्ट किया, पहले आप मुझे ये बताएं कि वहाँ जाकर आपसे क्या क्या टेस्ट लिए गए, आपसे आपको किस तरह ट्रेन किया गया वहाँ पर? जी भाई मैं तो यहाँ से जैसे मैं गया तो कुछ दिनों के बाद मैंने आपको बताया कि मेरे ट्रायल हो गए, ट्रायल में माशाल्लाह मैं ओके हो गए, मेरे ट्रायल कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर ये जो आर्मी की मेडिकल होती है तो मेडिकल किए इन लोगों ने, मेडिकल भी कुछ दिनों के बाद मेडिकल भी माशाल्लाह ओके आए, तो ये जो है एथलेटिक में मुझे आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद मैं जो है एथलेटिक में खेलूँगा। अच्छा, लॉन्ग जंपिंग में। मतलब अभी जो आप गए थे आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, सिर्फ आपको बुलाया था? जी मेरे ट्रायल हुए हैं और ट्रायल के बाद जो है टेस्ट हुए, मेडिकल हुए, तो मेडिकल के बाद अब मुझे सिलेक्ट किया गया, अब सिलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा, आपको सिलेक्ट किस ओहदे पे किया गया है, किस चीज़ के लिए किया गया है, ये अभी तक मुझे नहीं बताया। अच्छा, कोई ओहदा नहीं बताया? नहीं बताया। और पोजीशन, और आप मतलब एक शोभा होता है ना कि एक एक जो है कि डिपार्टमेंट होता है कि गेमिंग का होता है और एक वो जो तो है ना आपको पता है ना एथलेटिक लॉन्ग जंपिंग, अभी तो फिलहाल लॉन्ग जंपिंग का तो वो तो है ही है ना। तो ये आपको किस चीज़ के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना कि खेलेंगे गेम ये आप? जी बिल्कुल, पहले तो ये जो है यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद नेशनल में खेलेंगे और नेशनल के बाद इंटरनेशनल में इंशाल्लाह उम्मीद यही है। और अपनी मेहनत के बाद पता चलेगा, वो तो हर किसी के अपने उस पर है कि खुद बंदा मेहनत करे तो पहुंच सकता है। जी तो बिल्कुल व्यूवर्स, मेहनत से ही इंसान पहुंचता है। इस शख्स के साथ मेरी, आपकी और तमाम पाकिस्तानी नौजवानों की दुआएं इसके साथ हैं, लेकिन दुआओं के साथ साथ मेहनत लाजमी है। अगर सिर्फ दुआओं पर डिपेंड करेंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दुआओं की ज़रूरत होती है लेकिन मेहनत लाजमी है, यही बिल्कुल, है बिल्कुल असद भाई। ये है कि अब आपको पता है, आप तो मेरे दोस्त भी हो जी, तो आपको तो मेरे बारे में सब पता है कि मैं कितनी मेहनत करता था और कितना जो है अपना जज्बा था मेरा। और एक चीज़ और है कि मैं जो दोस्तों को बताना चाहता हूँ इसको कि भाई जो भी अपने सच्चे दिल से अपने वतन से मोहब्बत करता है तो उसे अल्लाह ताला सिला देता है। तो मेरी एक मोहब्बत थी, मैंने अपने सीने पे परचम लगाया और मैंने बहुत जो है मेहनत की दिल से, और जो है अल्लाह ताला ने आज मुझे ये मकाम दिया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया बहुत बहुत शुक्रिया सबका, तो बहुत खुशी हो रही है इस वक्त। और इंशाल्लाह मुझे आगे भी आप लोग इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। और मुझे ये बताएं कि देखें, आप जब से आपने टिकटॉक बनाना शुरू की और हम भी आपके साथ बनाते रहे और वगैरह, मैं आपके टिकटॉक पे शुरू से ये वीडियोस देखता था, जंप लगाने की, छलांग लगाने की, कभी आप नहर से लगा रहे हैं, कभी आप कहीं से लगा रहे हैं। आपने एक ट्रेंड पकड़ा हुआ था और आपका एक ये मेन ट्रेंड है कि जिस छलांग लगाना, ठीक है आप लगाते हैं, जनरली फाइटिंग वाइटिंग की वीडियो आपस में बनाई इंटरटेनमेंट के लिए, उसका कुछ नहीं है। आपका मेन जो है ना कि ये एक टैलेंट था आपके अंदर कि आप छलांग लगाते थे, लेकिन इतने अरसे बाद आप कोई, मेरे ख्याल से
तीन साल से कितना टाइम हो गया होगा? तकरीबन दो साल हो गया। दो साल से आप ये छलांगे लगा रहे हैं, ठीक है, टिकटॉक पर। तो दो साल बाद अचानक ये कैसे हुआ कि आपको लोगों ने देखा और आपको तलब करना शुरू किया? ये सब कहाँ से हुआ, कैसे शुरू हुआ? जी असद भाई, ये पहले तो टिकटॉक से नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन ये हुआ टिकटॉक की वजह से, क्योंकि टिकटॉक पे मैं वीडियो बना के डालता था, फेसबुक पर भी, इंस्टा पे, फेसबुक पे। तो ये मेरे ख्याल में फेसबुक से गया कहीं ट्विटर पे, और ट्विटर से वीडियो मेरी वायरल होकर जो है दुनिया भर में पहुंच चुका। तो ये मतलब वहाँ से ये वीडियो मेरा जो है चला गया वहाँ तक। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ होगा, अचानक से ये सब कुछ हो गया। अचानक से मुझे कॉल आई और मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। खुशी की तो इंतहा नहीं थी भाई, एक टिकटॉक पर फेमस होना चाहता था, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गया। तो अल्लाह ने जिसको चाहे इज्जत दे, अल्लाह के हाथ में है। जी व्यूअर्स देखें, बिल्कुल, एक तो जो हमारा माशरा है, हमारे माशरे में बहुत सारी जगहों पर टिकटॉक को एक फजूल ऐप, फजूल समझा जाता है। देखें, ये इंसान के माइंड के ऊपर होता है और इंसान के करेक्टर के ऊपर होता है कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करता है। एक तरफ अगर हम जो है ना कि आज की नौजवान नस्ल जाकर उस पर एक गलत हरकत करना शुरू कर दे, तो वो एक गलत इंसान का माइंड है, वो एप्लीकेशन गलत नहीं है। बिल्कुल भाई, आपकी बात सही है। ये एक टिकटॉक, ये एक हर चीज, हर ऐप में, हर चीज में दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का। तो आपको जो अच्छा लगता है, आप अच्छा रास्ता ले लो तो उसमें आपको अच्छा ही मिलेगी। आप बुरा रास्ता लोगे तो आपको पता है, मतलब जिस तरह के आप अगर वैसी वीडियो मतलब लोग जैसे बना रहे हैं लड़कियों के साथ, या वैसे गंद फैला रहे हैं, मतलब इज्जतदार लड़कियों के साथ भी बनाते हैं यार, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं लोग। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि गंदी वीडियो बनाते हैं, ये वो, मतलब लाइक अगर लेने हैं तो भाई 4 लाइक आएँ, 5 लाइक आएँ, 4 कमेंट आएँ, लेकिन वो इज्जत वाले अच्छे हैं। कहीं पर बंदा बैठे तो सर ऊँचा करके बैठे। जी बिल्कुल व्यूअर्स देखें, हम भी टिकटॉक यूज़ करते हैं, हमने देखा है ऐसे भी लोग देखें। बिल्कुल कोई लड़की के साथ टिकटॉक बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रहकर बनाना, उसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और जो है कि आपसे सही तरीके से बात भी करेंगे, आपको अच्छे कमेंट भी करेंगे। अगर आप किसी भी लड़की से, किसी भी खातून से बैठकर एक वायात किस्म की फजूल वीडियो बनाएंगे तो बिल्कुल आपको लोग जो है ना कमेंट्स में भी बुरा भला कहेंगे और आपकी वैसे भी बदनामी होगी। अगर आप फेमस होना चाहेंगे तो वो फेमस होना नहीं है, वो बदनामी की तरफ जाता है। तो बिल्कुल व्यूवर्स देखें, ये सबूत आपके सामने बैठा हुआ है, आप अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी चीज़ बनाएं, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट मिलेगी। ये शख्स एक हमारे साथ पला बड़ा बड़ा हुआ, छोटे से इलाके से हम लोगों ने अपनी लाइफ की शुरुआत की और आज ये शख्स इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है और इसको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये बिल्कुल, एक तो इसकी मेहनत और दूसरा ये टिकटॉक एप्लीकेशन वगैरह सोशल मीडिया। तो फ्रेंड्स, अच्छे कंटेंट बनाएं, बिल्कुल मेहनत करें, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है, आपके माइंड के ऊपर है। दिल से करें जी, बिल्कुल अपने दिल से, अगर आप कोई भी चीज़ करें अपने दिल से करें, अपना मेहनत करें। देखें भाई, मैं आपको पता है, हम भी यहाँ पर आप साथ ही रहते थे, तो हम लोग तकरीबन यहाँ तो 10 11 बजे 12 बजे नींद से उठते हैं, लेकिन मैंने जब से ये अपना मेहनत शुरू किया तो मैं कम से कम 5-6 बजे उठता था। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस टाइम पे वीडियो बनाना है, मेहनत करना है। तो मतलब एक चीज़ में मैंने दिल से मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया। और जो भी अपने काम में, जिस भी ट्रेंड में आप बना रहे हो, जिस भी काम बना रहे हो, मतलब बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो और दिल से करो, इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर हो जाओगे आप। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ कि अब आप वापस आए, आप क्या छुट्टियां लेकर आएँ या आपको वापस भेजा है, आपको बुलाएंगे, आगे क्या होगा? मुझे जो है वहाँ से मुझे ये कहा गया है कि भाई अब आप जो है सिलेक्ट हो चुके हैं और अब आप जाएँ, हम आपको लेटर भेजेंगे, फिर जो है वहाँ से आप जो है हमारे पास आ जाना। और ये नहीं बताया कि कितने दिन लगेंगे, कितने दिन, 20 दिन भी लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे बुलाएंगे, फिर वहाँ मेरी ट्रेनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह मैं गेम करूँगा। अच्छा, उसके बाद हमने आपकी लाहौर की, लाहौर के लोगों के साथ टिकटॉक वगैरह वीडियोज़ देखी, वहाँ के लोगों से मुलाकात देखी, आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले कभी आप इस्लामाबाद या लाहौर गए थे? नहीं, ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि मैं जो है लाहौर जाऊं, मैं भी इस्लामाबाद जाऊं, घूमूं फिरूं, लेकिन हालात आपको पता है भाई, हम एक ऐसे जगह से हैं, मतलब गरीब खानदान से हैं भाई, गरीब घराने से हैं जी। तो नहीं जाना हो पा रहा था, बस यहीं पर वीडियो बनाते थे, लोगों को वीडियो देखते थे। तो उसके बाद व्यूअर्स, एक मिसाल कह लो आपके सामने है कि एक इंसान जब दिल में ख्वाहिश रखता है और अपना ईमान मजबूत रखता है
और अपनी कोशिश जारी रखता है तो मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है, चाहे वो कहीं से भी पहुंचे। तो ये ऐसा ही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ मुझे उन लोगों ने कहा कि भाई, हमारा जो कोच था उनसे कहा कि भाई आप जो है इनकी टिकटें करवाओ और इन्हें वहाँ पर भेजो। तो मैंने कहा सर मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, तो मुझे शौक भी था आने का और आया भी हूँ, तो इस बार अब मैं घूम फिर के जाऊँगा। तो कहा चलो ठीक है जी, आप घूम फिर के फिर जाना। फिर मैं गया वहाँ, कुछ मेरे टिकटॉक के दोस्त थे, फ्रेंड थे, उनसे मिला और काफ़ी और भी यार दोस्त मुझे मिले वहाँ पर, काफ़ी वीडियो हमने बनाई। फिर जो है मैं यहाँ कराची वापस आया, तो अब आपसे मुलाकात हो गई, आपने ढूंढ निकाला मुझे यहाँ घूम घूम। नहीं तो हम तो आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हम कहीं भी नहीं खोने देंगे इनको। ये एक अनमोल हीरा है जो बहुत खुश नसीब लोगों को और बहुत खुश नसीब दोस्तों को ऐसे दोस्त मिलते हैं जो इस लेवल पे जाते हैं, तो हमें फ़ख्र है आपको, पर कहीं नहीं खोने देते आपको। मुझे बताएं फिर सफ़र कैसा रहा वहाँ का, वहाँ के लोगों से मुलाकात कैसी रही, उनका रवैया कैसा था आपके साथ? बहुत से लोग यहाँ के कहते हैं कि जी नहीं, कराची के लोग बाहर जाते हैं तो जो है ना कि उनके साथ लोगों के रवैये सही नहीं होते वगैरह वगैरह। मैं तो समझता हूँ कि फेक बातें, क्योंकि इंसान चाहे कोई भी हो, सारे इंसान हैं और सबके दिल में इंसान के लिए मोहब्बत होती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल असद भाई, वो हर इंसान के ऊपर है, जो जिस तरह का खुद होगा उसके उसको वैसे लोग मिलेंगे। जी बिल्कुल ऐसा। तो माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली है। एक तो अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त वैसे भी इज़्ज़त की है मेरी, अल्लाह ने मुझे बहुत जो है बड़ी जगह पर हाँ इज़्ज़त से नवाजा है। तो मुझे जो है वहाँ पर लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी, और मुझे मतलब 3-4 दिन मैं वहाँ पर था तो जितने भी यार दोस्त थे वो 3-4 दिन अपने काम सब कुछ छोड़ के मेरे साथ ही थे। तो मतलब बहुत बड़ी बात है इस दौर में, अगर अपना बंदा काम वगैरह सब कुछ छोड़ के अपने घर मेरे साथ ही घूमना फिरना, तो ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह बहुत इज्जत दी और बहुत अच्छा लगा उनके साथ। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम? और तो नहीं कुछ भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई अपने आप को पहचानो, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट मौजूद है, ठीक है। जैसे कि असद भाई के पास टैलेंट है, असद भाई जो है मेरे से बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इस तरह हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर मौजूद है। असद भाई वैसे भी माशाल्लाह जो है इनके काम है, डॉग वगैरह ये वो करते रहते हैं, इनका जो है यही सिस्टम है, तो माशाल्लाह हम तो हर फन बोला है ना, हर फन तो भाई हर चीज़। तो इंसान में एक टैलेंट होता है खास, हर इंसान में, तो मुझ में यही टैलेंट था, शायद हो सके और भी कोई टैलेंट है मुझ में। तो अपने टैलेंट को पहचानो, अपने आप को पहचानो और अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत हर चीज़ में ट्राई करो, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स देखें, कोई चीज़ भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप में वो चीज़ है, आप कर सकते हैं। मेहनत करें आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता यार, मैं तो वहाँ कभी जा ही नहीं सकता, मैं इस लेवल पे जा ही नहीं सकता, नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेहनत करें और उस चीज़ को समझें कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को प्रोमोट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।